स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। किताब उल हिंद क्या है, इसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न 3 नंबर के लिए पूछा जाता है तो आप आसानी से ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो सवाल का जवाब लिखेंगे कि इस पुस्तक की रचना अल बरूनी द्वारा की गई है। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। वह अरबी और फारसी भाषा को ज्ञाता था। अपने इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म के आंखों देखा जो है सजीव वर्णन किया। ये आंखों देखा सजीव वर्णन क्या होता है, जैसे कि कोई ब्लॉग वगैरह करने जाता है तो ब्लॉग में क्या करता है, वो जो चीज देखता है वही चीज दिखाता है। उसी प्रकार से अलबरूनी जब भारत आए थे तो वे जो चीज देख रहे थे वही चीज वो किताब में लिख रहे थे। इसे कहते हैं आंखों देखा सजीवन वर्णन करना। पुस्तक के अध्ययन से तात्कालीन सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है कि उस समय समाज किस प्रकार से था, इसके बारे में पता चलता है। यह पुस्तक किताब उल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किताब उल हिंद और यहाँ किताब उल हिंद दोनों ही लिखा गया है। तो सामान्यता, हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन अल बिरूनी जो है ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतिवाद परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना होता है। ये जो लास्ट वाला है इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आप विज्ञान की किताब पढ़ते हैं तो विज्ञान में जब शुरुआत होता है तो विज्ञान में क्या होता है, पहले कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आगे आपको उसी प्रश्नों का जवाब मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर होता था, पहले शुरू में प्रश्न होता था और फिर आगे चल करके उनके बारे में जवाब दिया जाता था। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। और ऐसे ही प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।